तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पढ़ा था हम लोगों ने। केडी निकालने के दो फॉर्मूले थे, डिपेंड करता था कि रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल। अगर रिडीमेबल है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता था? बड़ा वाला, जिसमें फॉर्मूला था आई वन माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एनपी और आर वी प्लस एवरेज, नीचे एवरेज। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बस एक ही बात खास थी कि प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स सेविंग्स नहीं होता। और केई निकालने की कितनी मेथड्स है? तीन, और उसमें से पहली पढ़ रहे थे जिसका नाम था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और आपने शायद इक्वेशन लिखा था केई निकालने का, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एम, ठीक। अब इसको लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि ये उधर लगना चाहिए कि इधर लगना चाहिए, बीटा कहीं भी लगा लो। इनका नाम लिख लिया था कि आप लोगों ने? हाँ लिखोगे एग्जांपल। अच्छा एक बात बताओ कि ये निकाल क्या रहे हो, जरा ये तो मैं सुनू के मतलब क्या निकालने क्या जा रहे हो, बस इतना बता दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को पैसे दे तो कंपनी को हर साल कितना परसेंटेज देना होगा, ये निकाल रहा है। तो कंपनी कैसे अनुमान लगाती है? ये सब ऐसे टाइम पास ही है कि एक्चुअल में होता भी होगा? आरएफ क्या होता है? रिस्क फ्री। क्या इसका पता लगाया जा सकता है आरएफ कितना परसेंटेज? ऑन एन एवरेज यार फिक्स डिपॉजिट में जो रेट चल रहा है उसको आप आर एफ बोल दीजिए। क्या आर एम का पता लगाया जा सकता? आर एम मार्केट से कितना मिल रहा है कैसे पता लगाओगे? मार्केट मतलब शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में भी तो कंपनी होती है ना, मैं मार्केट का रिटर्न बोल रहा हूं, मतलब किसका रिटर्न? सेंसेक्स का मतलब मार्केट है सीधे, सेंसेक्स या निफ्टी आप जो भी ले लो वो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर मैं बोलूं सेंसेक्स था एक साल पहले 5000 50000 पॉइंट और अब हो गया 55000 पॉइंट, तो बोलो कितना परसेंट बढ़ गया ना यार, तो रिटर्न निकाल सकते हो कि यस कितना डिफरेंस है? 10%। वो क्या कहलाएगा आपका? आरएम। आराम से निकाल लेंगे। बीटा क्या होता है? सेंसिटिविटी, कि यार सेंसेक्स बढ़ता है तो कंपनी कितने टाइम से बढ़ता है, ये भी निकाल दोगे। जब ये सारी चीजें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी देखता है, ये चीजें बोलते यार हमको तो इतना देना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक। खैर ये सब फाइनल लेवल पे है। सी ए पी एम ये जो पढ़ना है ना आपको, ये फॉर्मूला, इसके लिए सी ए फाइनल में कितनी क्लासेस की जरूरत होती है? कम से कम ये जो है 3-3 घंटे की 20 क्लासेस में ये फॉर्मूला डिस्कस होता है। मैं फिर से बता दूं बहुत बड़ा टॉपिक है, यही पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले लिखोगे एग्जाम्पल। आरएफ सेवन परसेंट, 7% को 0.07 भी लिख सकता हूं, है ना? ना यार 7% या 0.07 एक ही बात। तो यहां क्या लिखोगे? 0.07 की 7 सोचना आप, हाँ सोचना, आप खुद ही सोचना, छोटी छोटी चीजें है मान। और आपको क्या चाहिए? बीटा 1.3। ये टाइम्स में होता है, ये परसेंटेज में नहीं होता है ना। और क्या चाहिए आपको? मार्केट और ये ले लेते हैं 9%। और आपको के ही निकालना है।
पिछले बैच में ना बच्चे इसको आरएम समझ रहे थे, पिछले बैच की मैं बात कर रहा हूँ, पर ये आरएम नहीं है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पर ये जानबूझ के किए ना, हाँ जानबूझ के किया, पीछे भी लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या उन्होंने सही किया होगा, उन्होंने भी इसको आरएम ही माना होगा, अच्छा सही किया गया हाँ मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है मैंने, ये भगवान गलती तो नहीं कर रहे हो। सेवन प्लस बीटा कितना है, और नाइन माइनस सेवन करूंगा कि सिर्फ नाइन लिखूंगा, सिर्फ नाइन, मैं जानबूझ के अगर मैं इसको फोर लिख देता ना तो आप समझ जाते, मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा लिखा इनटू नाइन। आंसर 18.7। देखोगे एग्जांपल टू, एग्जांपल नंबर टू अब सोच समझ के करना है ना, फिर घुमाने वाला हूं। आर एफ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स है ना, आर एम 0.14, के 0.20, बीटा क्वेश्चन में 0.07 को हम परसेंटेज में शो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, अब 6 लिख सकते हैं। परसेंट एक आंसर आया है मेरे पास 1.75 सभी का। हो गया सभी का आंसर आ गया है ना, के ही मार्म के ही को हम क्या ले ले 20, आर एफ को 6 प्लस 8b ठीक है, अब इसमें से ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 8b, बीटा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 14/2 ठीक है। कितने मेथड टोटल मिलाकर 3, पहला कौन सा पढ़ा CAPM, सेकंड लिखोगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इसको प्यार से गॉर्डन मॉडल बोलते हैं पर आपको अभी समझ में आएगा नहीं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लिख दो, इतना बहुत है, नाम बोलूंगा तो अभी परेशान हो जाओ। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या इसी का और एक नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कभी डिस्काउंट नाम सुना है क्या, कहाँ सुनते थे डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग नहीं, डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट नहीं,
कैश और ट्रेड नहीं, यहाँ जो बात होगी वो कौन सी होगी, डिस्काउंटिंग रेट, वही यूज होने वाला है, वही यूज होने। मतलब सर कैपिटल वेस्टिंग का नॉलेज जरूरी है, वैसे तो जरूरी है, पर मेरी कोशिश रहेगी कि बिना उसके भी काम करवा दो यहाँ, ठीक। शेयर का फेस वैल्यू, बस सुनना है, सुनना लिखना नहीं, शेयर का फेस वैल्यू है 10, जो मार्केट प्राइस है वो 10 ही रुपए होता होगा कि कुछ अलग होता होगा, अलग भी हो सकता है। और मैंने कहा यार मार्केट प्राइस है 50 और आज कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है, और हालांकि और पहले से शेयर इश्यू है पर नए शेयर और इश्यू करना चाहती है, अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस शेयर का, 50 रुपए, फेस वैल्यू कितना है 10। जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो इसके आसपास रहेगा कि मार्केट प्राइस के आसपास, इश्यू प्राइस, पक्का पक्का ना यार, हाँ कंपनी इसी के आसपास शेयर इश्यू करती है, ठीक है। मार्केट प्राइस को मालूम है, और क्या बोलते हैं प्राइस, पी लिखते हैं पी, और ये पी कब इश्यू कर रहा है आज, तो इसको जीरो भी लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं पी जीरो, पी जीरो का मतलब आज का प्राइस, पी वन मतलब एक साल बाद का प्राइस, सिंपल है, ठीक। तो आज कंपनी सोच रही है हम शेयर इश्यू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा एक शेयर पे बताना, 10 रुपए आएगा कि 50 रुपए, 50 रुपए, पर बदले में डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा, डिविडेंड आज ही दे देंगे कि एक साल बाद से, एक साल बाद से, एक साल बाद के डिविडेंड को डी तो बोलेंगे पर उसका नाम अच्छा सा बताओ, डी वन, और अभी क्या डिविडेंड को क्या बोलेंगे डी सी। और हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक साल बाद डिविडेंड देंगे 5 रुपए, शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं 50, मेरे पास आएगा 50, देना पड़ेगा 5 रुपए, परसेंटेज बता सकते कि मेरा परसेंटेज इस 50 रुपए के पीछे मुझे 5 रुपए देना पड़ रहा है, तो परसेंटेज निकाल सकते हो क्या, 10% कैसे निकल आए, मैं डिविडेंड का अमाउंट बता दिया हूं 5 रुपए, आप मेरा मेरा बस ये कहना कि आपने मुझे कितना पैसा दिया है 50, मेरे जेब में 10 नहीं आया, मेरे जेब में तो 50 आया, और इस 50 के लिए मुझे 5 रुपए देना पड़ रहा है, तो परसेंटेज 10% कैसे निकालना, ठीक, ये वाला फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं, बात कर, मतलब मुझे देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए जो देना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, किसके किसके बदले में देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर के बदले में मुझे देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के ई निकालने का फॉर्मूला है 5/50, नाम बोलो ऊपर क्या लिखूं, P1/P0, ठीक। और क्या हर बार 5 रुपए ही दोगे यार, अगर 5 ही दोगे तो फिर दिक्कत है, तो धीरे धीरे वो ग्रो भी तो होता है यार, एक्स्ट्रा भी तो देते हैं, उसको बोला जाता है ग्रोथ रेट जी, ये भर समझाना, ये तो समझ में आ गया, ठीक है सर। D1 को क्या बोलते हैं, आज का डिविडेंड की एक साल बाद, एक साल बाद, तो यहां D1 का नाम लिख दो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस, या इसे मैं इश्यू प्राइस भी बोल सकता हूं, ठीक। पर शेयर, और जी का मतलब क्या होता है यार, ग्रोथ रेट। एक्चुअल में ना आपको ना शेयर से दो चीजों की कमाई होती है, कभी भी आप शेयर क्यों खरीदते हो जरा बताना, कि जनरली यार लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, क्यों शेयर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब किस चीज कमाई कैसे होती है उनको, क्यों 90% पब्लिक जो है वो घर उनका क्या डिविडेंड की कमाई से चलता होगा, नहीं एक साल डिविडेंड,
हमारा टारगेट क्या, प्राइस बढ़ना। तो यार अगर किसी कंपनी के मैं शेयर खरीदता हूं तो दो तरह से फायदे हो सकते हैं, एक डिविडेंड और एक प्राइस भी तो बढ़ेगा, ग्रो भी तो होगा यार, तो वो भी तो आपको कंसीडर करना चाहिए। इट मींस मैं बोल रहा हूं यहां से कमाई है 10% की और मुझे उम्मीद है कि 5% शेयर का प्राइस भी तो बढ़ेगा, तो उस हिसाब से कितना परसेंट, 15% की कमाई हो रही है, बस मुझे इसी पे फोकस करना, ये सब समझाना कि ये क्या चीज। अच्छा और एक बात बताओ, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि पिछले साल डिविडेंड था 4 रुपए, अभी पैड हो चुका है, उसको क्या नाम दूंगा, D0, जो पैड हो चुका है D0। और हमारा ये मानना है कि यार डिविडेंड में अगले साल जो देंगे ना वो 5% बढ़ा कर देंगे, तो बता सकते हो एक साल बाद का डिविडेंड क्या आएगा, अभी 4 रुपए दे चुके हो, ये कैसे निकल, कितना निकाला आंसर, निकाला कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या निकाला, ये कब का डिविडेंड है, ये है D1 और ये है D0। तो D1 निकालने का फॉर्मूला है D0 1+G, D0 कितना है 4 और यहां जाएगा 1.05, ठीक। तो आगे और लिखा रहा हूं, इफ D1 इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, लिख लेते हैं, इफ D1 इज नॉट गिवन देन इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, फॉर्मूला था D1 इज इक्वल टू D0 1+3 और D0 का मतलब क्या हो गया, या तो शब्द लिखा रहेगा डिविडेंड पैट, पैट का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, डिविडेंड पैट, या तो शब्द लिखा रहेगा करेंट डिविडेंड पर शेयर, करेंट डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अभी क्या टारगेट क्या है मालूम है, ये बनता नहीं है लोगों से, आधे से बच्चों के तो होश उड़ जाते हैं फाइनल तक, उनको पता नहीं लगता कि जो डिविडेंड दिया है वो D1 है कि D0 है। अभी आपको लगेगा सर इसमें समझने वाली क्या बात है, अभी आगे आगे आएगी ना क्वेश्चन तो मैं आपको, सुनो मेरी बात अभी अच्छे से, टारगेट ये है कि मुझे KEI निकालना है, मैं आपको D1 दे दूंगा, D0 भी दे दूंगा और G भी दे दूंगा, पहला काम है कि आप KEI निकालना सीखो, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, यार कोठी तो करना है, चलो देखते हैं, लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, D0 ₹5, ग्रोथ रेट 4%, D0 पता लगा KEI भी निकाल लिया, रुक जाओ भी। फॉर्मूला लिख दूं क्या,
पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, डी वन पांच, और कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं हम लोग, चार परसेंट से, चार परसेंट तो 1.04 कर दूं ना सीधा, कितना आ गया 5.20। अभी क्या निकालना हमको, के ये हो गया डी वन डिवाइडेड बाय 52 प्लस 4 लिखना है कि 0.04 लिखना, बस सही सुनो काम की चीज है इसको ना, जैसे ये लिखा था हमने तो आपने निकाला बीटा बीटा तो आपने 0.06 लिखा कि 6 लिखा था, हालांकि 0.06 भी लिखते तो आंसर वही आ रहा था, पर ठीक है हम 6 लिखते जनरली 6 लिखते। यहां मुझे क्या लिखना है, या अगर कॉमन सेंस की बात करो भाई, 5 रुपया 20 पैसे डिविडेंड देना है, कितने रुपए पे, 52 पे, तो बोलो ये वाला परसेंटेज कितना है डिविडेंड 10%, ये 10 तो देना ही देना है, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितने का हो रहा है 4, तो 10 और 4 कितना हो गया 14% हो गया ना सीधा। पर इसको लिखे कैसे, अगर आप यहां 4 लिख देते हो ना तो खेल खत्म हो जाए। तो दो तरीके, एक ये है कि पहले इसको परसेंटेज में निकाल लिया जाए और फिर इसमें क्या कर दे प्लस 4, पर ये नहीं चलेगा ICAI, वो 10.14, हाँ जी 14, 10+4 करना पड़ेगा मुझको, 10.4 नहीं आ रहा है, 14 आ रहा, 14। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, 5 रुपए 20 पैसे डिवाइडेड बाय 52, क्या ये परसेंटेज लगा है इसके सामने कि रुपीस है, रुपीस, तो इधर आप परसेंटेज को सही लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ 0.04, अगर यहां भी परसेंटेज होता यहां भी फिर तो चल जाता, आप 4 भी लिखते तो चल जाता, आंसर कितना आ रहा है 0.14। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हो 14%, ठीक, तो छोटी छोटी चीजें हैं हाँ, लेकिन गलतियां होती हैं, कैसे ऐसा लिख तो लोगे लेकिन आगे मैं कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन दूंगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिख सकते हो पर ICAI के जितने भी सॉल्यूशन है उसने ऐसे कर रखा। चले और एक एग्जांपल, अब कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, D1 ₹2.50, तो क्या आप ग्रोथ की जरूरत है आपको, E0 ₹30 ग्रोथ रेट 4%, यही क्वेश्चन मार्क, मतलब 12.33%, ठीक है। बन जाएगा, ठीक है, अब मेरा काम चालू हो रहा है, मैं धीरे धीरे इसमें छेड़छाड़ करूंगा, आप आंसर निकालते जाए। लिखोगे अगला एग्जाम्पल,
रुपीज 5.20 और ग्रोथ रेट ले लेते हैं 4%, है ना। मैंने D1 निकाल कर दे दिया इस बार 5.20 और ग्रोथ रेट कितना दिया 4%, और KE कितना निकाला था आपने 14%, हाँ, और P0 क्या था 50, वही निकाल। गया 52, फॉर्मूला लिख दूं क्या, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो के इज इक्वल टू डी वन पी जीरो प्लस जी, मैंने आपको ये दे दिया है, ये दे दिया, ये दे, ये मांग रहा हूं आगे कैसे निकलना। केई बेटे ध्यान से देखोगे इधर माइनस जी, कोई दिक्कत नहीं, इस प्लस को इधर किया तो D1 डिवाइडेड बाय क्या बचा P0, और P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। आपको इस फॉर्मूले की जरूरत भी है या इसी से काम चल जाएगा, इसके बिना जीवन अधूरा है, इसको लिखो। इसके ये फॉर्मूला मतलब ये रिसर्च करके बनाया गया है, आप क्या सोच रहे हो। और आपको आश्चर्य होगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला ये तो भूल जाओगे, ये वाला पक्का याद रहेगा, क्योंकि आगे बड़े बड़े लोग आएंगे, एमएम आएगा, गॉर्डन आएगा, वॉल्टर आएगा। हालांकि मैं इसको और एक तरीके से समझा सकता, पर उसके लिए आपको कैपिटल वेस्टिंग का नॉलेज चाहिए, वो आपको नहीं है। मैं प्रेजेंट वाले वैल्यू वगैरह बोलूंगा आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए अभी ऐसे लिख लो यहां से यहां आगे। हाँ लिखना पड़ेगा, मैं मुझे तो वहां माइक लगा, आपको पता भी है तो माइक चल, एक वहां लगा, एक इधर लगा, कैमरे के साथ में नहीं है, मजाक कर रहा हूं। मैं नहीं सुनूंगा, सारे लेक्चर तो YouTube में डल रहे हैं। हाँ इस फॉर्मूले से हो गया ना सभी लोगों का, कैसे किया जरा बताना इस क्वेश्चन को। P0, D1 कितना है 5 रुपए 20 पैसे, KE कितना 0.14 लिखा कि 14 लिखा, 0.14 या तो 14%, हम पॉइंट में काम करेंगे, 0.14 माइनस आंसर आ गया होगा आपका, आंसर कितना आ गया 50। एग्जाम्पल डी जीरो कितना है 5 और ग्रोथ रेट कितना है 4%,
एक सेकंड छोड़ो ना, अभी तो 5 रुपए थोड़ा सा काट लोगे तो कोई गुनाह नहीं है, थोड़ा सा बस। पी जीरो कितना है ये बताओ, 50। पी जीरो कितना निकाला था, 52। और के ई कितना निकाला था, 14%। और ग्रोथ रेट कितना निकाला था, क्वेश्चन मार्क। अब लगा लो मैथ्स। अब लोग जो बोल रहा है ना, 4% कॉपी भी दिखाएगा है ना। हाँ डी जीरो है, हे भगवान, डी जीरो ना यार। आंसर 4% आना चाहिए। कौन से वाला फॉर्मूला, के ही लगा रहे हो कि पी जीरो लगा रहे हो, के ही है ना, पी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी। के ही कितना है, 14%। पी वन कितना है, 5। वन प्लस जी। और पी जीरो कितना है, और जी कितना है, 4%। एलसीएम एलसीएम आता है क्या आपको, आता है पर नहीं करना है नहीं एलसीएम में मत पढ़ना भाई, मुझे नहीं आता एलसीएम में, पूरे फाइनल में कहीं एलसीएम नहीं लगने वाला, मैं इधर का इधर कर दूंगा, टेंशन खत्म। 14 माइनस जी, 5 प्लस 5 जी डिवाइडेड बाय 52 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 52.7.28 माइनस 52 जी, 5 प्लस 5 जी, 5 यहां से माइनस हो जाएगा, तो 7.28 माइनस 5, तो ये बचा 2.28 और ये उधर जाकर प्लस हो जाता है शायद 57 जी, और 2.28 डिवाइड कर देंगे इससे। अच्छा गलती कहाँ होती है मालूम, हमको ये लगता बड़ा वाला है तो कभी भी बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे ऐसा लगता है कई बार, तो 57 डिवाइडेड बाय 2.28 कर देते हैं बच्चे, पर हम जानते हैं कि जी जी कैसे करते हैं, 2.28 डिवाइडेड बाय 57। ठीक, आंसर कितना आ गया, और ये आंसर आपका क्यों निकला पता है, क्योंकि पता था इसलिए निकला। अब ऐसा क्वेश्चन मैं लिखूं कि जिस पता ना हो और फिर निकालो ग्रोथ तो मजा आएगा, बना कर देता हूं इस बार क्वेश्चन।
नोट कर लिया ना, लिखोगे एग्जाम। पी जीरो रुपीस एट, पी जीरो रुपीस 250, के बनाना बड़ा है, ग्रोथ नेगेटिव में ला दोगे आप सब में। पी जीरो रुपीस 18% और ग्रोथ क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन से नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से भी मतलब नहीं है, आप सीधा उठाओगे और मैथ्स में लगाओगे, नेगेटिव आया तो बताओगे सर -2% आया ग्रोथ। ऐसी कंपनी में पैसे ही क्यों लगा रहे हो। कोई है हिम्मत से बोलना है ना, गलत बोलने पे 100 रुपए फाइन है। आ गया सब लोगों का, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इवन दिया 7 रुपया 50 पैसे, ग्रोथ रेट दिया 5%, पी जीरो दिया है 80 रुपए, के ही निकालना है। अब मेरी बात सुनो, ये कौन सा प्राइस है, मार्केट प्राइस, शेयर कितने में इश्यू किया जा रहा है 80, कंपनी के पास कितना आ रहा है 80, और उस 80 रुपए पे डिविडेंड कितना दिया जा रहा है 7.5। अभी तक यहां तक किसी ने निकाला तो नहीं ना, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है सर? फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह, शेयर इश्यू करने पर यार कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होता है, तो बोले 80 रुपया तो आने वाला है पर यार 5 रुपए खर्च भी हो रहा है शेयर इश्यू, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर शेयर ले लेना, रोटेशन कॉस्ट है ₹5 पर शेयर। अब निकालना है आपको, यही
सोच समझ के काम करना जो भी करो। केई का फॉर्मूला मैं बोल देता हूं, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, फॉर्मूला तो ये, फॉर्मूला तो यही है। सवाल बस एक ही, आप भी जानते हो, सवाल ये है यहाँ 80 आना चाहिए कि 75 यार कॉमन सेंस तो, हमने तो कल से यही पढ़ रहे हैं कि यार जितना नेट आए, इसको नेट प्रोसीड बोलते हैं कि हाँ जी यही तो नेट प्रोसीड्स है, पर प्रॉब्लम क्या है फॉर्मूले में P0 यूज करते हैं, पर है एक्चुअल में नेट प्रोसीड्स। तो इसका मतलब कभी क्वेश्चन आया है एक बार तो कभी क्वेश्चन में नेट फ्लोटेशन कॉस्ट दिया होगा तो आपको इसमें से माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल है कि ग्रोथ कैसे, ये बन गया ना सभी लोगों से, आंसर कितना आ रहा है इसका 15। चाहो तो वहां एक नोट भी लिख देना कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया होगा तो क्या करोगे, माइनस करके लिखो, क्योंकि कॉमन सेंस हमारा वहां चलता नहीं है, इसलिए रटने के लिए ठीक रहेगा वो पॉइंट। और फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चन में फिर आएगा कभी कि शेयर इश्यू का P0 दिया रहेगा और फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया रहेगा और आप उठाकर 80 ही लिखोगे, तो फिर यही वाला नोट जो लिखा ये पढ़वाऊंगा आपसे, ठीक। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन आएगी। अभी अभी मैं पेबैक पीरियड पूछूंगा ना तो कोई बता नहीं पाएगा क्या होता था करके, क्या है फॉर्मूला, कुछ होता था सर, ठीक है अभी टाइम है रिवीजन को, आराम से टेस्ट है कब है पहले ही मैंने बता दिया हूँ, सैटरडे को टेस्ट है कैपिटल इन्वेस्टिंग का। और एक और अच्छी बात, कोई है जो ऐसा है कैपिटल बस्टिंग का टेस्ट नहीं देना चाहता, मतलब जिन्होंने किया नहीं है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आ नहीं पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई, तो फिर अगली बार क्लास से वो नहीं आएंगे, टेस्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा आपकी बात नहीं, आप तो पहली बात कर चुके, टेस्ट देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है किसी के पास, ये फायदा है मुझे। अब यहाँ करना आगे हाँ जी, अब ये समझना है कि ये ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके तो लिखते हैं, अब आगे नया पॉइंट, How to calculate growth rate? Method number one. खास बात है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, मेथड नंबर वन में कोई फॉर्मूला, कॉमन सेंस है और मुझे लगता है वो है आपके पास, तो सुनो, सुनोगे ध्यान से समझ, लिखना नहीं है, मैं एग्जाम्पल से ही बात करूंगा। अगर मैं आपको D1 दे देता हूं 5 रुपए और मैं आपको ग्रोथ रेट दे देता हूं मान लो 4%, और मैं कहता हूं कि बताओ एक साल बाद का डिविडेंड क्या आएगा, तो बता सकते हो क्या, 5 + 4% 5 point। मैं कहता हूं 2 साल बाद का डिविडेंड क्या आएगा, ग्रोथ रेट 4% पर एनम लिख देता हूं भाई, खुश पर एनम कैसे कर रहे हो जरा बताओगे, 5 + हाँ वैसा भी कर सकते हो या फिर सिंपल कैलकुलेटर में 5 + 4% 5.2 + 4% 5.408। अगर मैं कहूं 4 साल बाद क्या आएगा, D4 मांग रहा हूं मैं,
पांच प्लस चार परसेंट प्लस चार परसेंट प्लस चार परसेंट प्लस चार परसेंट 5.849 या 5.85 भी बोल सकते, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी निकालते हैं फाइव। अच्छा ये D1 लिखा था क्या अगले साल? हाँ डी जीरो मान के कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे दिल की बात समझ के बहुत है डी जीरो। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं इसको कर दूं मैं 1.04 पावर क्या कर दूं भाई 4, तो आंसर क्या उतना ही आएगा, कितना आया था 5.8। देखोगे एग्जांपल नंबर 1, तो डी जीरो कितना है रुपीस 5 और डी फोर कितना है रुपीस 5.85, मानते हो? और ग्रोथ कितना परसेंट है 4% पर है ना, तो ग्रोथ रेट निकालना है। कुछ भी करो कैसे भी करो आंसर चाहिए, लिखित में चाहिए है ना, 4% बोलोगे नहीं। ट्रायल मारते 1% से मार लिए, 2 से 3 से कुछ था, इसलिए वो बाकी डर्टी पावर जिंदाबाद, डर्टी वाला भी लाऊंगा। कैसे किया था यार पता है, 5 और 1 प्लस जी 4 क्यों, क्योंकि डी 4 और ये करने से कितना आ रहा है 5.85। देखो मैं अब आप सोचोगे सर ये सारी चीजें इंडिविजुअल नहीं पूछे, किसी क्वेश्चन में चिपका देगा इसको, हम पहले से तैयार हो जा रहे हैं कि आप तैयार होकर रहते कि क्या क्या, और ये सब आना है मैं जानता हूँ आएगा करके। अब इसको सॉल्व करें क्या, 1 + g^4 और ये डिवाइड हो जाता है डिवाइडेड बाय 5, तो 1 + g^4 कितना आ गया है यार, ये डिवाइड करने से 1.17। अब यार ये 4 हटाना पड़ेगा हमको दो बार, ऐसे नहीं कर सकते ना, है ना, हाँ कैसे करना बताओ ना, 4 की 2 कर दो ना इसको, हाँ वैसा भी कर सकते हो, यहाँ बताओ पहले इसको सॉल्व करो कि 2 आएगा कि 4 आएगा, इधर 2 आएगा ना 4 आएगा, ऐसा पक्का वन पॉइंट 1.17 4 हटा दो यहाँ से और इसको पावर 1/4 कर दूं, एक ही बात है, और हमको ये ज्यादा पसंद आया था, हमने कैपिटल बस्टिंग में IRR किया तो बोले ठीक है इससे काम चला सकते, मतलब दो बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 1 + g = 2, इसको दो बार स्क्वायर रूट करो कितना आ रहा है 1.04, तो g = 1.04 - 1, तो 0.04 दैट इज परसेंट, क्योंकि 4% आपको पता था, अब नहीं है कुछ पता, वो सिर्फ मुझे पता होगा। कौन सी बुक हो गया, अब नया स्टॉक आएगा
हाँ लिखोगे अगला एग्जांपल चैलेंज। बी जीरो 12 रुपए और डी थ्री 13.89 और ग्रोथ रेट क्वेश्चन मार्क। पेज को नहीं पलटेगा हाँ 5% सही है। ये इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा भाई 13.89 डिवाइडेड बाय 1.1575 और पावर क्या हो जाएगा भाई 1/3 और ऐसे पूरा। हाँ जी ध्यान दोगे बातें नहीं करोगे। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, शायद बेसिक्स जब पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था तभी डिस्कस कर लिया था। इसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, डर्टी पावर। डर्टी पावर ही बोला जाता है क्या? हाँ सीए फाइनल में बच्चा बच्चा जानता है डर्टी पावर। आप पहली बार सुन रहे हो या पहले सुना होगा। सुनो पावर, डर्टी पावर मतलब गंदा पावर। 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, 1/9 हो सकता, कुछ भी हो सकता। इसको या तो आप लॉग टेबल यूज कीजिए या तो कैलकुलेटर यूज कीजिए। कैलकुलेटर यूज करते हैं और कैलकुलेटर में हम कैसे करते थे, आईसीएआई कैसे लिखता है। सुनो आईसीएआई का जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो वो बहुत प्यार से करता है, डी इज इक्वल टू 5%, बस खत्म। फिर वो आप समझते रहो कि कैसे आया, पर इसको हमको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते थे कुछ याद है क्या? 1.1575 स्क्वायर रूट कितने बार, -1 इंटू 1/3। अच्छा आपको डिवाइड ही पसंद है क्या, और कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3+1 इंटू इक्वल टू 1। ठीक है, और मैंने आपसे जब ये समझाया था तो बोला था कोई नहीं पूछेगा कि 12 कहां से आया, ठीक, सवाल ही पैदा नहीं। इट मींस हमको जो है यहां ये वैल्यू चेंज करना है और यहां क्या लिखना है, पावर। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना, चाहे क्वेश्चन कोई भी क्यों ना हो, स्क्वायर रूट 12 बार ही रहेगा, इंटू इक्वल टू भी 12 बार रहेगा, -1 रहेगा, +1 रहेगा, बस पावर में चेंज करते रहना। क्या इसको और एक बार नोट करना पसंद करोगे? नहीं, ऑलरेडी है, तो जिन्होंने किया नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो नोट कर लीजिए, काम आएगा। और ऐसी जगह नोट करना कि पेज पलटाओगे ना तो तुरंत मिलना चाहिए।
हालांकि एक बात मैं बता रहा हूँ, सुनो, बहुत बेसिक चीज है, बुक है सबके पास, बुक के पीछे प्रेजेंट वैल्यू टेबल होगा, मैं टेबल समझा चुका हूँ ऑलरेडी, टेबल टेबल खोलो, पहला वाला टेबल, मेरे पास बुक नहीं है ना यार, पहला वाला टेबल, एक एक कोई भी एक बुक चाहिए पीछे से, इसमें टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल नंबर वन, ठीक है, और इधर दिया ईयर और इधर दिया है परसेंटेज, और आपको भी पता है कि ये टेबल कहाँ कौन से चैप्टर में काम आती है, ज्यादातर कैपिटल वेस्टिंग, हालांकि कैपिटल वेस्टिंग में हमको इस टेबल की जरूरत पड़ती है कि नहीं, क्योंकि हम कैलकुलेटर, क्या मैं कोई भी वैल्यू बोलूं निकालने को आप निकाल सकते हो? हाँ, बाकी लोग सोच रहे कैसे हो सकता है, हो सकता है, निकलता है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इस टेबल की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही फैक्टर दिया रहता है। अब अगर मैं एक काम करता हूं, कैलकुलेटर है, 12 divided by 13.89 करो, 12 divided by 13.89 कर लिया, क्या दिख रहा है पॉइंट? अब इसमें देखो कौन सा साल है, तीसरा साल, टेबल में देखो थर्ड ईयर, टेबल नंबर वन नहीं, टेबल नंबर प्रेजेंट वैल्यू टेबल चाहिए, टेबल नंबर थ्री पे आओ, टेबल नंबर थ्री, टेबल नंबर थ्री, उसमें थर्ड ईयर में देखो और ढूंढते जाओ, 0.9706 है, फिर 943 मिलेगा, 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 मिल गया क्या? कितने परसेंट पे मिला? 5%, तो ग्रोथ रेट कितना है? 5%। क्या एक शब्द भी कहीं कुछ लिखा? नहीं, बस कैलकुलेटर चलाया, टेबल उठाया और ढूंढ लिया, कितना आसान है। सर ये क्या लॉजिक है? लॉजिक अभी मैं नहीं समझा सकता, मैं पर क्या आपको इसके लिए टेबल देगा? नहीं देगा, तो फिर क्यों मैं मेहनत करूं? ये सिर्फ काम किसके लिए आ सकता मालूम है? सीएमए वाले, उन लोगों को पेपर के साथ टेबल भी दिया रहता है, लॉटरी लग जाएगी, तो उन्होंने ये सीखा ही नहीं। सर छोड़ो, डर्टी पावर करने ही नहीं, हम तो टेबल से लिख के चले आगे आगे, जिसको लॉजिक समझना है वो अलग से बात करेंगे, यहां में मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको टेबल नहीं दिया रहे, हमको डर्टी पावर ही लगाना। अब लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं ग्रोथ का, कितनी मेथड होती है? दो मेथड, नंबर वन यही है कि आपको डी जीरो दे देगा और डी सेवन कुछ भी दे देगा और आपको कहेगा ग्रोथ रेट निकालिए। मेथड नंबर टू करवाना है, पर पहले इसका एक और एग्जांपल हो जाए, बात करूंगा। ₹0, ₹11, ₹5, आपको निकालना है ग्रोथ रेट। अभी लिख रहा हूं, रिलैक्स से लिख रहा हूं। चलो एग्जांपल चेंज, नया वाला मेथड करते हैं। बच्चों ने मैंने ये लिखा, इधर लाइन खींच लिखा, पूरा हो गया इधर तक, बस मैंने लिखा और आंसर आया 15.43। एक आंसर आया है,
सात परसेंट नहीं आ रहा है तो एग्जाम में साइड वाले से भी पूछ सकते, ऐसा नहीं है। कहां गड़बड़ी? डर्टी पावर्स इनटू इक्वल टू या कैलकुलेटर में गड़बड़ तो नहीं है? इनटू इक्वल टू ऐसे करना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, वही गलतियां होती है बच्चों। मेथड नंबर टू, ग्रोथ निकालने का और एक मेथड। अच्छा भूल गए थे। तो मेथड वन और मेथड टू ऐसे एक्चुअल में कुछ है नहीं है, जो डेटा दिया होगा उसके हिसाब से आपको ग्रोथ रेट निकालना। ये वापस फिर से पढ़ने वाले एक चैप्टर आएगा डिविडेंड डिसीजन, उसमें पढ़ोगे। बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। और R का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल EPS समझते हैं, कंपनी ने कमाया और कंपनी ने जो कमाया वो कमाया है 20 रुपए। तो कंपनी जितना कमाती है क्या उतना सारा की सारा डिविडेंड दे देती है? नहीं। तो एक रेशियो पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? सुनोगे? एक शब्द आएगा डिविडेंड रेट, ध्यान से समझना यहां गड़बड़ी होती है, डिविडेंड रेट। और एक शब्द आता है डिविडेंड यील्ड, और एक शब्द आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तीनों अलग अलग है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। अब सुना, और मैंने आपको ईपीएस दे दिया, मैं आपको शेयर का फेस वैल्यू भी दे रहा हूं 100 रुपए फेस वैल्यू, और मैं आपको शेयर का मार्केट प्राइस भी दे रहा हूं 350 रुपए, और मैं आपसे बोल रहा हूं डिविडेंड रेट है मान लो 15%। डिविडेंड रेट है 15%, तो ईपीएस का 15% कि फेस वैल्यू का 15% कि मार्केट प्राइस का 15%? डिविडेंड रेट शब्द लिखा है, रेट तो वो किसका 15% निकाला जाएगा? फेस वैल्यू। अगर मैं डिविडेंड यील्ड बोल रहा हूं 8%, तो ईपीएस का कि एमपीआर? तो इसका रेट बोला तो इसका आता है फेस वैल्यू का, अगर डिविडेंड यील्ड बोला तो किसका आएगा? एमपीएस, एमपीएस। और अगर मैं बोलता हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो और वो दे दिया 40%, तो वो किसका आएगा? ईपीएस। तीनों चीजें अलग अलग है, क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार डिविडेंड रेट लिखा कि यील्ड लिखा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखा। ठीक, ठीक है सर। सर ये आप लिखवा नहीं रहे हो, ये कहीं ना कहीं लिखवाओगे क्या? हाँ, एक चैप्टर आएगा डिविडेंड चैप्टर, वहां ये सब लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करोगे, ये लिखा नहीं।
ये सब कहीं ना, पर अभी से मैं बताते हुए चल रहा हूं। तो ठीक है सर, हमारा क्वेश्चन था कि ईपीएस है 20 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशियो मान लो है 40%, तो बताओ डिविडेंड कितना जाएगा एक शेयर। 20 रुपए है कमाया और 40% डिविडेंड दिया, तो बताओ कितना जाएगा, 8 रुपए। 8, तो अगर आप 40% डिविडेंड दे रहे हो तो कुछ बचा भी तो रहा, बचाने को क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन रेशियो। बता सकते हो रिटेंशन रेशियो कितना परसेंटेज में, रिटेन कितना कर रहे हो, 60%, 60% को बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। और इसको कैसे दिखाते हैं, बी कितना परसेंट, 60%। ठीक है यहां तक, क्या कितना पैसा रुपया में बता सकते हो, रुपया कितना रुपया बचाया है कर, 30 रुपए में से 8 रुपए डिविडेंड दे दिए तो बचाया कितना, 12। तो रिटेंशन, ये रिटर्न अमाउंट, रिटर्न अर्निंग भी बोलते हो आप अकाउंटिंग में, रिटर्न कितना किया है, 12 रुपए। ये कंपनी की मैं इस साल की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि यार 20 रुपया कमाया था, 40% हमारी पॉलिसी की हम डिविडेंड देते तो 8 रुपए डिविडेंड हो गया और 60% बचा लिया तो बचाया कितना, 12। ये किसने बचाया, कंपनी ने, आपको कितना डिविडेंड दे दिया, 8 रुपए। तो 12 रुपए का कंपनी क्या करेगी, उसको कहीं और इन्वेस्ट करेगी, अपने पास मतलब उसको बचाने का सेंस नहीं है, अगर कुछ रहता नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट का तो मैं पूरा दे देता डिविडेंड, मतलब उसको 12 रुपए को कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा और किस रेट पर इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी, अभी एक ही मान के चल रहा हूं, मान लो ये कितना परसेंट है, यह है 10%, मतलब 12 रुपए लगाऊ, कॉन्सेप्ट समझना, फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो एक मिनट में बात खत्म हो जाएगी, 12 रुपया जो है उसको मैं 10% पे लगा दूंगा, अगले साल कमाई कितने की, कितनी होगी टोटल मिलाकर बताना, तो समझ के बोलना, 12 रुपए का 10% कितना होता है, 1.2, वो 12 तो लग गया, उससे कमाई कितने की हो रही, 1.2, तो टोटल कितनी कमाई होगी, 21.2, 20 तो ऐसे भी कमा रहे थे ना यार, तो अब बोलो अब कमाई कितने की हो गई, अब कमाई हुई नेक्स्ट ईयर, ये लिखोगे सेकेंड ईयर में ईपीएस, ये ईयर वन था और ये ईयर टू है, कितना आया था, 20 प्लस 1.2, कहां से आया बस आपको ये याद रखना चाहिए, तो ये आ गया 21.2। हमारी पॉलिसी है कि हम डिविडेंड कितना देते हैं, 40%, तो अब क्या डिविडेंड का अमाउंट बता सकते हो, 8.48, अभी रुक जाना, ठीक है, 21.2 का 40%, अब बताओ पिछले साल डिविडेंड कितना था, 8, अभी डिविडेंड कितना, बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, परसेंटेज बताओ कितने परसेंटेज से बढ़ा, 6%। इसको क्या बोला जाता, बढ़ा को हम क्या बोलते, ग्रोथ, ये 6% निकाला कैसे, 8.42 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 100 कितना आ गया, 6%। सारी कहानी के पीछे बस लॉजिक इतना है कि जो हम बचाते हैं कितना परसेंट बचाया, 60.6% ये मैंने बचाया, और इसको जो इन्वेस्ट किया वो कितने परसेंट पे किया, 10% पे, तो आंसर कितना आ गया, 0.06 या फिर कितना परसेंट, 6%। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, बी, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, कितना बचाया और जो बचाया उसको किस रेट पे इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ नहीं करना है हमको, इतना टाइम ही नहीं है, हम तो सीधा फॉर्मूला कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूले का क्या लॉजिक, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे ही लिखा है तो पहले ग्रोथ रेट का ये वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिए, और ग्रोथ रेट का 0.06 into 0.10 ये वाला भी, दोनों एक साथ लिख लीजिए,
ना जाने कब कौन सी चीज कहां काम आ जाए। एट पॉइंट फोर एट माइनस एट डिवाइडेड बाई एट इंटू हंड्रेड तो आंसर आया था 6% ग्रोथ रेट, या तो फिर बी इंटू आर तो आंसर आएगा वही 6% 0.06 आएगा इंटू हंड्रेड करके 6%। अब क्वेश्चन जो होगा उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आपको केई, अल्टीमेटली हमारा टारगेट है केई निकालना बस। गया दिख रहे हो देखोगे एग्जाम्पल, अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हो के लिए। एक्सपेक्टेड ईपीएस रुपीज 18 डिविडेंड पे आउट रेशियो सिक्सटी परसेंट। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दूं तो आप रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हो पी जीरो रुपीज 120 ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलू या इक्विटी बोलू एक ही बात है, यहां पूरा पैसा इक्विटी से लगता है 12%। क्यों दिया होगा आप भी जानते हो, और के ई क्वेश्चन ये जो 18 × 60% करोगे तो क्या निकलेगा डिविडेंड। भाई 18 रुपए कमा रहा है 60% डिविडेंड दे रहा है तो डिविडेंड निकलेगा कितना आएगा 10.8। ये डी जीरो आएगा कि डी वन आएगा, फिर से भैया डिविडेंड तो लगेगा सर हमको, तो 18 × 60% निकालो 10 रुपये 80 पैसे डी वन आएगा क्योंकि शब्द क्या लिखा है एक्सपेक्ट। ठीक है चलो फॉर्मूला लिखवा दूं, चलो ठीक है याद करो। सिक्सटीन पॉइंट टू पर पहला आंसर आ चुका है। और एक आंसर आ गया 13.8 पर। दो तीन लोगों का ये आंसर आया, दो तीन लोगों का ये आंसर आया।
यही निकाले फॉर्मूला क्या है, डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस पी इंटू आर। और नया फॉर्मूला मजा आया, ई वन माइनस बी कैसा लगा भाई? मेरी आदत है नए नए फॉर्मूले की, आप अपना वाला लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ई वन माइनस बी डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस बी इंटू आर। टेंशन लग रहा होगा इस फॉर्मूले को देख के, कुछ नहीं है, आपके स्टडी मैट खोल लोगे बाई चांस और ये दिख जाएगा तो डरना मत, ये वही है। ई का मतलब ईपीएस, ई का मतलब ईपीएस 18, अच्छा 20 सुन, कितना परसेंट 60%। वन माइनस पॉइंट फोर, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, 18 इंटू 60% सीधा करते ना यार, ठीक है। पी जीरो कितना है 120, और ग्रोथ रेट तो आपको मालूम है कितना आएगा। कुछ बच्चों ने 0.6 इंटू 0.12 कर दिया होगा, नहीं मैं आपसे बोल रहा हूं कि कुछ बच्चों ने 0.6 इंटू 0.12 कर दिया होगा, जबकि हमें क्या करना है 0.4 इंटू 0.12, 0.048। तो आपको ये कैसे पता था कि ऐसा, एक्सपीरियंस है बेटे, मुझे मालूम है कि यही गलती होती है। तो आंसर कितना आ गया फाइनली 13.8%। थर्ड मेथड लिखोगे, थर्ड लास्ट खत्म करते हैं। किस चीज का थर्ड मेथड लिख रहे हो? दो तो दो ही होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेथड नंबर वन क्या था? सीएपीएम। मेथड नंबर टू था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और मेथड नंबर थ्री लिखोगे अर्निंग प्राइस मॉडल। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आप लिख लेते हमारे सिलेबस में। प्रॉब्लम है कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। K is equal to, सुनो हाँ जी सुनोगे सुनोगे ध्यान से। अगर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ ठीक से सुनो, समझ रहा EPS है 15 रुपए, ठीक, यहां मुझे आपका साथ चाहिए, ईपीएस है 15 रुपए, और मैंने पी जीरो दे दिया मान लो 100 रुपए, 120 ले लेते 120। फॉर्मूला क्या होता था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का? डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिविडेंड दिया जा रहा है 15 रुपए, और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ही आप के ही निकालिए, निकल सकता है कि अभी 15 रुपए कमाया, डिविडेंड कितना दिया 15, शेयर का प्राइस 120 मेरा, और ये सर ये हमेशा मैं 15 ही रुपए डिविडेंड देता हूं, इट मींस मैं जितना कमाता, कंपनी जितना कमाती है सबकी सब डिविडेंड दे देती है। तो बोलो पहले साल का डिविडेंड 15। बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर ये 15 रुपए D0 है कि D1 है, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम कुछ बचाते ही नहीं है, तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? हम कुछ नहीं बचाते, जितना कमाया सब डिविडेंड दे दिया, तो बताओ ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या बोलता है, बी इंटू आर, और बी क्या आ गया
नहीं मतलब यहाँ क्या होगा, बी क्या होगा यहाँ, जीरो, बात ही खत्म। इट मीन्स पहले साल का डिविडेंड कितना आएगा, 15, दूसरे साल का 15। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, जरा बताओगे क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 120 ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब यार कि जितनी कमाई होती है सबकी सब डिविडेंड दे दिया जाए तो ग्रोथ नहीं आएगा। केई का फॉर्मूला देखो क्या है, केई ये इसमें अर्निंग प्राइस में केई इस कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है कि आप कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, सबकी सब डिविडेंड दे दोगे। इट मीन्स उन्होंने फॉर्मूला बताया है, एक बार लिख लो, EPS डिवाइडेड बाय MPS इनटू 100। MPS का मतलब मार्केट प्राइस, आप P0 बोलिए या MPS बोलिए, एक ही बात है। EPS का मतलब कितना कमा रहे हो, और ये जो चलता है मेथड वो ये मान के चलता है नो ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ ही नहीं है। तो फिर तो सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही तो बात है ना सर, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में अंतर ही क्या रह गया। हाँ जी, इसलिए इस मेथड से ये आता ही नहीं, मैं आपको सीधा ये चलता आपका डिविडेंड। तो इसको मालूम है क्या, कौन सा बोलते हैं, नो ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। सर प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है, कंपनी जितना कमाती है उतना डिविडेंड देती है कि नहीं देती, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये चलता है। इस पर एग्जाम्पल की जरूरत है क्या, नहीं। तो अब हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अभी क्या बचा है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न। रुक जाते हैं थोड़ा सा, बुक है आप लोगों के पास, एक दो क्वेश्चन करवा लूं, कम से कम मुझे भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया, देखा, कंपनी इश्यू 10 लाख रुपए के कितने परसेंट डिबेंचर, 12, 100 रुपए का एक, तो 100 रुपए पे 12% क्या देना है, इंटरेस्ट। डिबेंचर क्या रिडीम्ड होने वाले हैं, यस, कब रिडीम्ड होगे, 7 साल बाद। कितने में रिडीम्ड होगे कुछ बताया नहीं है, अगर नहीं पता लगा तो रिडीमेबल एट पार। और टैक्स का रेट कितना है, 35%। जब ईयर लिखा है, रिडीमेबल का ईयर लिखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़ा बड़ा आज वाला कुछ नहीं होगा, जो कल पड़ा है वो वाला होगा, ठीक। आपको निकालना है केडी, आफ्टर टैक्स से निकालते हैं। अगर इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, अगर इश्यू प्राइस एट पार है, एट पार का मतलब 100 का 100 में, 10% डिस्काउंट मतलब 100 का, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे कुछ और पूछ रहा है, वो बात में, तो पहला वाला काम करें। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, एडी इज इक्वल टू आई 1-टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, RV plus NP divided by 2 into 100, percentage में लाने के लिए।
पहला वाला हाँ होगा ना पक्का, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ होगा कुछ। सौ रुपए का 12% कितना आ जाएगा, 12 रुपए। वन माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है यार, और इश्यू प्राइस भी कितना है, तो डिवाइडेड बाय 7 और 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज कितना आ गया, 6। दूसरे में क्या बोल रहा है, रिडीमेबल वैल्यू कितना रहेगा, 100 है ना यार, रिडीमेबल वैल्यू 100। अच्छा उल्टा हो गया है क्या, हाँ तो सीरियसली आज क्लास ओवर करना है मतलब, डिवाइडेड बाय 7 ये ठीक है ना यार, और 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 × 100 9.714 हाँ। क्या लिखा है, अगर इश्यू हो रहा है 10% प्रीमियम पर तो KD इज इक्वल टू 12 रुपए, 1 − 0.35 प्लस 100 − 110 डिवाइडेड बाय 7 और 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2 × 100 परसेंटेज कितना आया था, 1 × 2 कुछ लिखा है, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2% व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ इश्यूड एट पार, इस कंडीशन में अगर ब्रोकरेज पेड किया जाता 2% निकल सकता है क्या, इसका मतलब यार सर 100 रुपया में इश्यू कर रहे पर 100 रुपया नहीं मिलेगा, ब्रोकरेज कटकर मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा हमको 98 के हिसाब से कर लेते कुछ, नेट प्रोसीड में 98 आएगा,
8.167 एक आंसर है, प्लस 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 7 और 100 प्लस डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 8 पॉइंट कितना 8.17% इस सभी का। बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ इस बार तो हम कैपिटल क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए। आ गया सभी का आंसर। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ना तो आपके पास ऑप्शंस है ना मेरे पास ऑप्शंस है। आपका भी दिल कर रहा सर खत्म करो ना यार क्या बहुत हो गए, पर क्या करे कोर्स कैसे हो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, एक बच्चा क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर बाकी क्वेश्चंस कल बनाएंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चाहिए, अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 अब पढ़ते हैं क्या दिया। कंपनीज करंट प्राइस 60 मतलब क्या हो गया ये पी जीरो एंड डिविडेंड पर शेयर रुपीज 4 डी वन की डी जीरो करंट। हाँ बिल्कुल जब शब्द लिखा करंट तो करंट का इस पे भी इफेक्ट पड़ा इस पे भी इफेक्ट पड़ा, मतलब यार पी जीरो पता है और डी जीरो पता है और कैपिटलाइजेशन रेट को मालूम है प्यार से के ही बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट को के ही बोला जाता है। पर इस के ही को आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, आप बोल रहे हो सर के ही पहली बार पढ़ रहा है। नहीं पहली बार नहीं पढ़ रहा है, आप गुडविल निकालते थे बचपन में कैपिटलाइजेशन मेथड से, वहां के ही यूज करते थे, आपको पता ही नहीं कि वो के ही होता है कर ठीक। और आपको डिविडेंड ग्रोथ निकालना है मतलब आपको जी निकालना है, तो बनाया है निकाल लो। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर जी इज इक्वल टू बी इन टू आर है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ तो बच पर तो कहीं गड़बड़ ये डी जीरो है ना यार कि डी वन है। दो आंसर है पीछे 5.71 आ रहा आपका, आपका भी 5 देखना पड़ेगा फिर। डी जीरो है 4 रुपए के ही कितना दिया है यार, तो 0.12 ले लूं मैं चलेगा और 4 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय प्लस जी ठीक होता है।
आपका क्यों आया 5.7%? 1-G, इन्होंने तो अपना गलती एक्सेप्ट 1-G ले लिया था, आपने पता नहीं कहां से कहां करो यार। ये सब क्लासेस डलने वाली यूट्यूब में से कम मसा होना चाहिए। हाँ जी, हो गया सब लोगों का आंसर आ रहा है 5%। अगला लूंगा क्वेश्चन, बस इस लास्ट खत्म कर रहे हैं। इसका आंसर चाहिए, दैट्स इट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, संभाल नहीं पाओगे, छोड़ो क्लास ओवर, कल करेंगे।